सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप कुमार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को। दोस्तों आज हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं Redmi Note 5 Pro वर्सेज Redmi Note 6 Pro, जो कि Xiaomi की तरफ से Redmi Note 6 Pro जो लॉन्च हुआ है कुछ ही दिन पहले, उसमें कंपैरिजन करने वाले हैं कि Xiaomi की तरफ से कहा गया ये Redmi Note 5 का सक्सेसर है, तो क्या इसमें डिफरेंस है Redmi Note 5 Pro के मुताबिक, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या इसमें अच्छा हुआ है या फिर नहीं हुआ है कुछ, या फिर फोन सेम है, ये सारे डिटेल्स आपको हम इस वीडियो में आगे देंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए अगर Redmi Note 5 Pro आपके पास ऑलरेडी है तो क्या आपको Redmi Note 6 Pro लेना चाहिए, क्या इतना बड़ा चेंज हुआ है इसमें, या फिर आप नया फोन खरीदना चाहते हो तो Redmi Note 5 Pro खरीदना चाहिए या Redmi Note 6 Pro खरीदना चाहिए, दोनों में बेस्ट फोन कौन है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप इससे पहले कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे जो लाल कलर का बटन दिया हुआ है उसे भी क्लिक कर ले और उसके बगल में जो बेल का आइकन दिया है उसे भी क्लिक कर ले ताकि हमारा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपके पास आता रहे। ठीक है, इस वीडियो को लाइक का टारगेट है सिर्फ 30, आप जरूर इसे पूरा कर देना ताकि हम आगे ऐसे ही वीडियो बनाते रहे। दोस्तों हम Note 5 Pro और 6 Pro में जब कंपैरिजन करें तो इसमें जो IPS LCD डिस्प्ले था पिछले Redmi Note 5 Pro में वही सेम टू सेम है Redmi Note 6 Pro में भी, जो IPS LCD डिस्प्ले था दोनों में कोई फर्क नहीं है। पिक्सल डेंसिटी जो था Redmi Note 5 Pro में 440 PPI का था, वही सेम टू सेम Redmi Note 6 Pro में भी है दोस्तों 440 PPI का। और यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है जो दोस्तों वो काफी बड़ा था, Redmi Note 5 Pro में भी बैटरी लाइफ काफी अच्छी थी, फिर भी जो अपग्रेड आपने कहा है तो Redmi Note 6 Pro में भी वही सेम ही बैटरी है जो कि 4000 mAh की है। तो दोनों में जो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है, दोनों ही फोन में सेम टू सेम है। जो चिपसेट है दोस्तों ये मेन अगर थोड़ा सा भी फर्क रहता है, इसमें थोड़ा सा भी फर्क नहीं है, आपको 636 जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था वो पिछला में भी मिलता था Note 5 Pro में भी, जो कि मैं अभी यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा चल रहा है, लो ग्राफिक्स पे दोस्तों बहुत ही अच्छी चलती है PUBG, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट रहता तब तो कोई इम्प्रूवमेंट माना जाता, कम से कम चिपसेट भी तो थोड़ा बढ़ाना चाहिए ताकि परफॉर्मेंस अच्छा मिल सके, लेकिन दोनों में 636 जो है स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर था Redmi Note 5 Pro में, वही सेम टू सेम Redmi Note 6 Pro में भी है 636 प्रोसेसर। GPU भी दोनों में सेम टू सेम है, Redmi Note 5 Pro में भी 509 GPU Adreno का था, वो Redmi Note 6 Pro में भी Adreno का 509 GPU ही है। ठीक है दोस्तों, जो रियर कैमरा था, जो बैक कैमरा था दोस्तों, उसमें भी सेम टू सेम बिल्कुल 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल दोनों का था। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें डिफरेंस, इसमें कैमरा में इम्प्रूवमेंट मिलेगा, इसका जो अपर्चर था उस कैमरा का वो f2.2 था Note 5 Pro में, लेकिन f1.9 है Note 6 Pro में, तो अपर्चर का डिफरेंस होने के कारण इसमें कैमरा का क्वालिटी आपको Note 5 Pro से अच्छा मिलेगा। रियर कैमरा का डिफरेंस आप देखोगे तो सबसे पहला डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें आपको क्लियरली दिखेगा वो कि स्क्रीन पे ही आपको दिखेगा ये नॉच का है दोस्तों, जो कि Note 5 Pro में नॉच नहीं आता था, वो बेजल था, बेजल वाला फोन था, लेकिन काफी अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें नॉच आया है, तो अगर जिनको नॉच वाला फोन पसंद है तो वो Note 6 Pro जरूर ले सकते हैं। Note 5 Pro में जो क्विक चार्ज का सपोर्ट था वो 2.0 था, जो कि Note 6 में जो अभी सपोर्ट दिया गया है वो 3.0 का है, जो कि काफी अच्छी बात है और ये अच्छा चेंज है। स्क्रीन रेजोल्यूशन जो पिछला Note 5 Pro में था वो 1080x2160 था। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो अभी जो Note 6 Pro है उसमें जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1080x2280 है। ठीक है दोस्तों, ये पिक्सल साइज है दोनों का, इसमें भी डिफरेंस है, एक छोटा सा ही डिफरेंस है, लेकिन एस्पेक्ट रेशियो की बात करें अगर हम तो दोस्तों Redmi Note 5 Pro में जो है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो मिलता था हमको, वही Redmi Note 6 Pro में जो है 19:9 का एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, छोटा इम्प्रूवमेंट है लेकिन काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें हम तो Redmi Note 5 Pro में 77% का मिलता था और वही Redmi Note 6 Pro में जो है 80% का हम लोग को लगभग स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है। मेन डिफरेंस जो है दोस्तों इसमें जो हाईलाइट है वो कैमरा का किया गया था Redmi Note 6 Pro के लिए। ठीक है दोस्तों, जो कि आपको कैमरा जो है वो डबल मिलता है आपको फ्रंट में। ठीक है, फ्रंट में जो है दोस्तों वो डबल कैमरा है। ठीक है, जो कि
नोट 5 प्रो में सिंगल कैमरा था वो 20 मेगापिक्सल का था, इसमें डबल कैमरा है, एक 20 मेगापिक्सल का है, और दोस्तों दूसरा जो कैमरा है जो कि बोके मोड वगैरह के लिए है तो वो है 2 मेगापिक्सल का। ये काफी अच्छी बात है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट इसमें भी मिला है। कम से कम 660 इसमें अगर चिपसेट रहता तभी ये रियल इम्प्रूवमेंट माना जाता Redmi Note 5 Pro के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आप नया फोन लेना चाहते हो, जो कि हमारा सजेशन होगा, अगर नया फोन आप खरीदना चाहते हो Redmi का Note 5 Pro या Note 6 Pro में से अगर आप लेना चाहते हो तो Note 6 Pro ही ले, छोटे छोटे ही लेकिन काफी अच्छे डिफरेंस आपको मिलेंगे जो कि Redmi Note 5 Pro से अच्छे होंगे, बिल्कुल ही अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि क्विक चार्ज का इसमें सपोर्ट है, ठीक है, बैटरी सेम है लेकिन कैमरा का डिफरेंस है। कैमरा में आपको आगे का भी डबल कैमरा मिल रहा है, पीछे में भी जो सेम कैमरा था वही मिल रहा है, लेकिन अपर्चर जो है कम है, इससे कि पिक्चर का क्लैरिटी बहुत अच्छा आएगा। और ये थे कुछ मेन हाइलाइट्स दोस्तों इस फोन के बारे में जो कि Redmi Note 5 Pro और 6 Pro है, इन दोनों के बारे में। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप नया फोन लेना चाहते हो तो मेरा सजेशन तो जरूर रहेगा कि Redmi Note 6 Pro ही ले 5 Pro की जगह पे, क्योंकि 5 Pro बहुत ही अच्छा फोन था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। लेकिन 6 Pro जो आया उसमें थोड़ा ही सा इम्प्रूवमेंट है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इम्प्रूवमेंट वाला ही फोन जरूर लेना, और दोनों की प्राइस लगभग सेम ही है। कोई अच्छा लगा इस वीडियो को तो अभी लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों।